नमस्कार, आज मुँ आपणमानंकु देशी कांकड़ पिठो भजा तैयारी करके देखेबी। साधारण कांकड़ ठारु ए देशी कांकड़ आकार टिके छोटो थाए। देशी कांकड़ मंजु गुड़िक देखिए साधारणतः टिके टाण बा कुड़मुड़िया थाए, सेतिपई किछि लोक याकु बहुत पसंद करते, किछि लोक याकु जम्मा भी खाइबाकु भल पांतिनि। ए पिठो भजा करिया पई साधारणतः आपण माने पाचिला कांकड़ नेले एटा बेस भल होइथाए। जितेबेले एटा सबुजिया बा कसि थाए ता भितर मंजु मध्य धळा थाए, किंतु टिके पाचि गले मंजुगुड़िक यही भाव में नाली हो जाए, जोटा कि खावाक बेस बढ़िया लगे। मो पिठो भजा करने किसी पचिला कांकड़ को भल भाव धोईकी यही भाव में काटिपर साधारणतः आम जमी पिठो करतुराई अरुआ चाउल कंचा लंका अदा जीरा दे था मुझे पान मधुरी देखिए बाटी ये भाव में बाटिनेलापर नहीं कांकड़े आम पिठो बटा को देद तापर के जिनस नहीं चु से हिसाब से देखिकी ए लुण और अल्प हलदी गुंड को दे दौर कि धनिया पत्र को छोट छोट काटिक नहीं थी सब जिनस को पूरा भल भाव मिसई नवा आपण मैंने चाहिए कि लंका गुंड और राशि को मिसई पारे। तापर गोटे पैन में किसी तेल गरम कर तेल टी गरम कांकड़ को जो पिठरे गोल रखी बर्तमान देद आपण मैंने चाहिए अल्प तेल सेल फ्राए करेंगे, ना अधिक तेल नहीं डीप फ्राए करें। भाव चूलीर आंच को मीडियम रो हाई फ्लेम रखिकी कांकड़ गुड़ी भाजी नवा, गोटे पाख नाली आसले ओल्टे नवा, आर पक्ष भल भाव नाली पर्यंत भाजी नवा। देखिए जो दुई पाख पूरा भल भाव सुनली रंग आसी जाए बेस कुटकुड़िया होते चूली को बंद करदे। ये देखु बर्तमान आमर देशी कांकड़ पिठो भजा तागला। साधारण पिठो भजा भाया एमटा होता है, इसे जीरा बदल केवल पान मोहरीर व्यवहार कराए।